हेलो जी, दिस इज अमर अग्रवाल। सो गाइस, काफी स्टूडेंट्स के कॉलेजेस के अंदर ऑलरेडी टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम हो चुका है एंड टीसीएस कोडिंग क्वेश्चंस के अंदर काफी स्टूडेंट्स को इनपुट की प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट लेने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हमें टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर, हमें कोडिंग असेसमेंट के अंदर कैसे इनपुट लेना है। चाहे आप C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, चाहे आप पाइथन यूज करते हो, चाहे आप जावा यूज करते हो, मैं हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कैसे इनपुट लेना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आपके दो ही केस होते हैं, या तो आपको एरे इनपुट लेना पड़ेगा या फिर आप स्ट्रिंग इनपुट लेना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपका एरेज एंड स्ट्रिंग के बेसिस पे आएंगे, तो मैं आपको दोनों के अंदर आपका इनपुट लेना बताऊंगा कि हम एरे के अंदर कैसे इनपुट ले सकते हैं एंड हम स्ट्रिंग के अंदर कैसे इनपुट ले सकते हैं। एंड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बताने वाला हूँ, चाहे C++ हो, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से वीडियो देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आपको कितनी भी अच्छी आपकी कोडिंग स्किल्स हो, कितने भी आपको कोडिंग आती हो, अगर आप अपने टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के अंदर इनपुट नहीं ले पाए, इनपुट के अंदर आपको प्रॉब्लम आ गई, तो आप कोड रन नहीं कर पाओगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना एंड वीडियो एंड तक देखना, बीच में स्किप मत करना। एंड जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी आप लोग के लिए काफी कॉन्टेंट आने वाला है, काफी आपके लिए टीसीएस एनक्यूटी कंटेंट आने वाला है, डेली अब बैक टू बैक वीडियोज आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत के तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड आपका काम ही रहने वाला है कि आपको तुरंत के तुरंत वीडियो देखनी है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू टेक इनपुट एरे। ठीक है, हम कैसे एरे को इनपुट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, उसके बाद C++ देन पाइथन। तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जितने भी स्टूडेंट जावा के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, मतलब जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं कोडिंग के अंदर, सारे के सारे स्टूडेंट्स कोड को बहुत ध्यान से देख लेना। सबसे पहली चीज, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। काफी स्टूडेंट्स स्कैनर क्लास बना रहे हैं बट आप इम्पोर्ट ही नहीं करा रहे हो, आप अपने पैकेजेस को इम्पोर्ट ही नहीं करा रहे हो। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है। एंड जब आपका कोडिंग असेसमेंट होगा तो वहां पे Java 8, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे तो वहां पे Java 8 का फीचर होगा, तो आप Java 8 यूज कर लेना, देन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना कोड स्टार्ट करना। इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, जब तक आप इस पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि ये वाला पैकेज हम VS कोड में जैसे स्कैनर क्लास लिखते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, बट वहाँ पे TCS NQT कंपाइलर के अंदर, जो TCS कोडिंग के कंपाइलर है, वहाँ पे आपको खुद आपको अपने हैंड से लिखना पड़ेगा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तभी आपकी ये क्लास एप्लीकेबल होगी। देन उसके बाद आप स्कैनर क्लास बना ली, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एंड ये आप यूज कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इंट NSC डॉट नेक्स्ट इंट। अगर आपको इनपुट लेना है इंटीजर तो हमें क्या यूज करना है, नेक्स्ट इंट मेथड। ठीक है, अब हमने एक एरे, हमने इनपुट लेना है इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट एन। ठीक है, एन सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि एन हम यूज कर रहे हैं तो एन का हमारा ऑब्वियसली इनपुट लेना पड़ेगा पहले। अब उसके बाद मुझे एरे इनपुट लेना है, तो मैंने एक लूप रन करा, आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एरे ऑफ आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। अब यहाँ पे आपने इससे क्या करा, इससे आपने इनपुट ले लिया एरे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा इनपुट था। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि आपको Java 8 चूज करनी है, एंड उसके बाद आपको इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज इम्पोर्ट कराना है, स्कैनर क्लास बनानी है, SC डॉट नेक्स्ट इंट, अगर आप कोई भी कैर ले रहे हो तो नेक्स्ट कैर। ठीक है, और एरे हमने अपना इनपुट करा लिया, तो ये हमारा जावा के अंदर इनपुट हो गया। अभी वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि हम स्ट्रिंग के केस के भी अंदर अभी बात करने वाले हैं, पहले C++ एंड पाइथन का भी मैं आपको बता देता हूँ। अब C++ के अंदर अगर हमें इनपुट लेना है तो हम कैसे लेंगे, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस STD इंट मेन, ये हमारा मेन मेथड है, इंट एन काउट एंटर द साइज ऑफ एरे, ये अगर आपका क्वेश्चन ने बोला है तो आप ले लेना, वरना ये हमारा एक्स्ट्रा है। सिन हमारा एन, ये क्या ले लिया हमने, इनपुट ले लिया एन, ये क्या ले लिया, इनपुट ले लिया एन, इंट एरे एन काउट एंटर एरे एलिमेंट्स फोर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सिन एरे ऑफ आई, ये क्या अगर हमने इनपुट ले लिया अपना एरे। देखो बहुत ध्यान से, अगर आप वहां पे ना, जब आप किसी भी कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठते हो तो काफी बार हमारे पास जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन आते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, क्यों, एक तो टाइम गैप, आपको वहां पे टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम आपका टाइमर वहां पे चलता रहेगा एंड आपको उस टाइम बाउंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो वहां पे आपको टाइम बाउंड मिला है। सपोज आपको 60 मिनट्स मिली है तो आपको 60 मिनट्स के अंदर दो क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके अंदर आपको इनपुट भी लेना है, आपको स्क्रैच से कोड भी करना है, आपको क्वेश्चन भी समझना है, आपको लॉजिक भी समझना है, आपको ही सारी चीज करनी है। आपको बिल्कुल वहां पे ऐसे कंपाइलर मिलेगा, आपको स्क्रैच से कोड लिखना है। काफी स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि भैया क्या हमें फंक्शन बना हुआ मिलेगा, आपको कुछ नहीं बना हुआ मिलेगा,
आपको स्क्रैच से पूरा पूरा हार्ड कोड करना है, आपको इनपुट भी खुद ही लेना है, फंक्शन भी खुद ही बनाना है, सारा लॉजिक खुद ही लिखना है। अब बात करते हैं पाइथन के लिए, तो पाइथन का बहुत सिंपल होता है, पाइथन के लिए बहुत सिंपल रहने वाला है। एन इंट इनपुट एंटर द साइज ऑफ एरे, एर इक्वल टू लिस्ट मैप इंट इनपुट एंटर एलिमेंट्स डॉट स्प्लिट। ये क्या अगर हमने इनपुट एरे ले लिया, तो हमने एरे का केस तो देख लिया। अब बात करते हैं स्ट्रिंग की, भैया स्ट्रिंग का कैसे करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने आप लोग के लिए TCS NQT कोडिंग क्वेश्चंस वन शॉट जो अप्रोक्स 1 hour 30 minutes के करीब का रहने वाला है, मतलब 1.5 hours का ये वन शॉट रहने वाला है। एंड इसके अंदर मैंने काफी क्वेश्चन आपको कराए हैं, काफी पैटर्न के क्वेश्चन कराए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज एक बार इस वन शॉट को जाके अच्छी तरीके से कर लेना। अगर आप इस वन शॉट को अच्छी तरीके से कर लोगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आप काफी क्वेश्चंस देख लोगे कि कैसे क्वेश्चंस TCS NQT एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। तो ये वन शॉट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आपके लिए, तो इस वन शॉट को जाके देख लेना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वरना आप चैनल पे डायरेक्टली जाओगे तो चैनल पे आपको ये मिल जाएगा। नाउ कम टू द इनपुट स्ट्रिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम अभी तक हमने एरे को इनपुट लिया था, अब हम लेंगे स्ट्रिंग को इनपुट। अभी पहले हम बात करते हैं जावा कोड के बारे में कि जावा के अंदर हम स्ट्रिंग को इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो सिंपल, इम्पोर्ट जावा डॉट डिटेल डॉट स्कैनर, स्कैनर पैकेज को इसको आपको इम्पोर्ट कराना है। उसके बाद मेरी पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजेएस, ये मेरा मेन मेथड है। स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर ए स्ट्रिंग। तो स्कैनर हमने क्लास बना ली, एंड स्ट्रिंग एस टी आर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। अब इस नेक्स्ट लाइन मेथड की हेल्प से आपका जो भी आपकी होल स्ट्रिंग जो है वो एक लाइन के अंदर आपका इनपुट ले लिया जाएगा। स्ट्रिंग एस टी आर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ये हमारा किस लिए यूज होता है, इनपुट स्ट्रिंग। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट लेनी है तो हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा जावा कोड था, सेम इसमें भी हमें जावा 8 का वर्जन, वहां पे आपको जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करोगे तो जावा 8 वर्जन को चूज करना, देन अपना पूरा का पूरा कोड रन करना। उसके बाद हम बात करते हैं सी प्लस प्लस के लिए। तो सी प्लस प्लस के लिए हैशटैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट मेन स्ट्रिंग एस टी आर गेट लाइन। इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करेंगे, गेट लाइन का हम यूज करेंगे इनपुट स्ट्रिंग, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स कही है, जैसे अगर आपको एक आए कि आपको पहली लाइन के अंदर एन इनपुट लेना है, मैं ये बता देता हूँ, काफी स्टूडेंट्स को जो एरर आ रहा है, जो काफी स्टूडेंट्स को इनपुट एरर आ रहा है, वो काफी स्टूडेंट्स को इस वजह से भी आ रहा है कि जैसे आपको क्वेश्चन ने बोला है आप वैसे नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे एन फर्स्ट लाइन के अंदर लेना है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर एन लेना, उसके बाद अपनी स्ट्रिंग लेना, या फिर अगर एरे होगा तो एरे लेना। ऐसा मत करना कि पहली लाइन में ही आपने एन भी ले लिया और पहली लाइन में ही आपने एरे ले लिया। क्वेश्चन ने जैसे बोला है, अगर क्वेश्चन ने आपको तीन स्टेटमेंट दिया कि भाई पहली लाइन में एस लो इनपुट, फिर एन लो इनपुट, फिर एरे इनपुट लो, तो आपको वैसे ही इनपुट लेना है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोल रहा है, बस आपको उसके हिसाब से ही अपना कोड लिखना है। एंड अगर क्वेश्चन के अंदर ये लिख रहा है हैलो वर्ल्ड, हैलो वर्ल्ड, अब देखो काफी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ने आपका आउटपुट दिया है, ये आपको आउटपुट लेके आना है। एंड अगर आप आउटपुट ऐसे लिया है हेलो, यहाँ पे आपने गैप नहीं दिया वर्ल्ड, तो ये आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आपका कोड आपका बिल्कुल लॉजिक सही है, बट देखो कितनी सी चीज से आपका कोड रन नहीं करेगा वहां पे। तो ये चीज का ध्यान रखना है, प्रॉपर स्पेसिंग, जैसे आउटपुट दिया है उसी हिसाब से आपको आउटपुट लेके आना है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आपको करना है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे गैप का है तो गैप के साथ ही आपको आउटपुट प्रिंट करना है, तभी आपके टेस्ट केसेस रन होंगे, क्योंकि बैकएंड में पूरा पूरा कोड ऐसे ही लिखा है, जो भी इनपुट लिया जा रहा है वो ऐसे ही लिया जा रहा है। आपका पूरा जो सिस्टम है वो ऐसे ही आपके आउटपुट मैच करेगा, जो आपका आउटपुट आया वो सेम आउटपुट होना चाहिए जो सिस्टम ने दे रखा है, तभी आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड होगा। तो बहुत ध्यान से कोड करना, काफी स्टूडेंट्स बहुत ईजी कोड आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो ईजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है आपके कोडिंग का, ईजी टू मीडियम लेवल रहने वाला है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज अभी आप लोग के लिए आज की डेट के कोडिंग क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, 4th of October के कोडिंग क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। तो वेट करना वीडियो की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसलिए बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही वीडियो आएगी तुरंत के तुरंत वीडियो देख लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं पाइथन के केस के लिए। पाइथन के केस के लिए सिंपल रहने वाला है, स्ट्रिंग इनपुट एंटर ए स्ट्रिंग प्रिंट एंटर स्ट्रिंग। तो ये हमने इनपुट ले ली अपनी स्ट्रिंग, तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, एंड इस कोडिंग वन शॉट को देखना मत भूलना। मैंने आपको इनपुट एरे भी बता दिया, इनपुट स्ट्रिंग भी बता दिया, आप इनपुट इंटीजर भी ले लोगे, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।